क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ y इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स बी एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन जो हमारा है, अगर क्वेश्चन को देखें तो y इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स बी एक्स, यहाँ पर दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी गुणनफल के रूप में है, तो हम लोग गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, यदि दो फंक्शन हो, एक u हो और एक v हो, तब पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, फिर प्लस लगाइए, दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले का डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दो फलों के गुणनफल का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। आप किसी को भी पहला और दूसरा मान सकते हैं, इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको दूसरा, इसको पहला, मैं इसको पहला मानता हूँ, इसको दूसरा मानता हूँ, और इसको ये डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले को छोड़ दिया ई पावर ए एक्स को छोड़ दिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो साइन इनवर्स बी एक्स ये हो गया, एंड प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये हो गया ई पावर ए एक्स इंटू। अभी देखें तो साइन इनवर्स बी एक्स है और हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बी एक्स है तो साइन इनवर्स बी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की प्लेस पर बी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये जो बी एक्स है, हम लोग साइन इनवर्स एक्स का केवल फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स बी एक्स का नहीं जानते, तो इस बी एक्स को हम लोग यक्स कंसिडर करेंगे, यक्स मान के चलेंगे। तो अगर आप इसको यक्स मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई रूट वन माइनस बी एक्स का स्क्वायर, और जिसे आपने x कंसीडर किया है उसका फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स बी एक्स हो गया, प्लस साइन इनवर्स बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स। हम लोग जानते हैं कि ई पावर x का डेरिवेटिव होता है ई पावर x, लेकिन यहाँ पर ई पावर ए एक्स है तो इस ए एक्स को हम लोग यक्स मानेंगे। तो अगर आप इसको ए एक्स मानते हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई पावर ए एक्स, लेकिन जिससे आपने एक्स माना है उसका आप फिर से कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स ये हो जाएगा। अच्छा, ई पावर ए एक्स इंटू वन बाई रूट वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स का हम लोग जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो b कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बच गया केवल b, प्लस साइन इनवर्स बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो a कांस्टेंट है आगे आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर केवल बचेगा a, देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी ई पावर ए एक्स बाई रूट वन माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए ई पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। ये बी का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में ऑलरेडी हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। Thank you for watching.